ऑफिस गोवा, श्रीप्री से कवर अल्पा टीवी न्यूज चैनल से। आज हम बात करेंगे श्रीप्री ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महोदय जी से, आने वाले 29 तारीख में जो कार्यक्रम रखा हुआ है ब्राह्मण समाज का, उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। जी तो भाई साहब, ये आने वाले 29 तारीख को जो ब्राह्मण समाज का श्रीप्री जिले से आपने जो कार्यक्रम रख रहे हैं, उसमें प्रेस वार्ता भी रख रहे हैं, किन किन मुद्दों पर रख रहे हैं और क्या है, चुनावी माहौल है या सामाजिक मुद्दा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप। ये मुद्दा तो सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है जी। इसमें हुआ क्या है, वर्तमान में शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर जी, इन सभी जिलों में और यहाँ तक कि ग्वालियर चंबल संभाग को भी आप ले सकते हो जी, तो ब्राह्मण समाज की जो उम्मीदवारी लोग वहाँ रखते थे राजनीतिक क्षेत्र में जी, और जो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे जी, उन सभी को दरकिनार किया गया है और ब्राह्मण समाज को उचित प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं मिला जी, जी जिसका कि वो वास्तविक हकदार है जी। आज ये मान के चले कि लगभग लगभग पूरे संभाग में 5 लाख से ऊपर मतदाता ब्राह्मणों के हैं जी, बिल्कुल। लेकिन भाजपा ने तो कहीं कोई स्थान दिया ही नहीं है जी। कांग्रेस ने अवश्य 2-3-4 टिकट दिए हैं जिसमें हेमंत कटारे जी हैं जी, प्रवीण पाठक हैं जी, और वो एक शुक्ला जी हैं राकेश जी जी, जी जी, एक उपाध्याय जी को भी दिया किसी को, बाद बाकी इतने बड़े दो विधानसभा क्षेत्र में जी, कई क्षेत्रों में वंचित रखा है। बस मूल मुद्दा इससे क्या है, ब्राह्मण समाज में असंतोष व्याप्त है कि हमारी राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा क्यों अनदेखी की जा रही है जी, जी, जी। हम इसी मुद्दे पर समाज के बंधुओं से राय मशवरा करेंगे और पत्रकार वार्ता बुलाकर यही संदेश देना चाहेंगे कि हमें इस चीज से असंतोष है। जो आदरणीय जी, कितने बजे से पत्रकार वार्ता और आपका कार्यक्रम कितनी डेट में? ये 29 अक्टूबर 2023 को होटल मातोश्री में दोपहर 2 बजे से आयोजित है जी, जी, जी। जिसमें समाज के सभी बंधुओं को आमंत्रित किया गया है, मुख्य मुख्य लोग आमंत्रित हैं जी, और वहाँ पर बैठकर ये सभी विचार विमर्श करेंगे कि आने वाले जो विधानसभा का मतदान समय है जी, उसमें हमको क्या करना चाहिए और जो ब्राह्मण के हितों के संरक्षण की बात करेगा जी, उस प्रत्याशी के बारे में समाज विचार विमर्श करेगा जी, इसका खुलासा हम समय आने पर करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री।